हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चला के और पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर में प्रेजेंट टाइम में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी के टोटल मैं 8 चैप्टर पहले बना चुका हूँ, 9वां चैप्टर है चैप्टर नौ। जो चैप्टर नो है वो है पवन द्वारा। चैप्टर नो में क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन 33, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति के महत्वपूर्ण तथ्य। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, ये चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो 6 चैप्टर हैं, ये पवन, नदी, हिमानी, परिहिमानी, भूमिगत जल, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं ऐसे सीरियल वाइज नहीं पढ़ा रहा। जो चैप्टर 6 था उसमें मैंने डिस्कस किया है कि इन सभी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। चैप्टर 7 में मैंने डिस्कस किया है कि इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। पवन के कार्य क्या हैं, नदी के कार्य क्या हैं, समुद्री जल के कार्य क्या हैं, हिमानी के कार्य क्या हैं। 8 में मैंने डिस्कस किया है कि नदी के महत्वपूर्ण तथ्य, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के महत्वपूर्ण तथ्य चैप्टर 8 में डिस्कस किया है। और चैप्टर 9 में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले आता है अपवाह बेसिन या वातगर्त। अपवाह बेसिन या वातगर्त प्राय तस्तरी नुमा होता है। क्या होता है? तस्तरी नुमा होता है कि अपवाह बेसिन या वातगर्त प्राय तस्तरी नुमा होता है। क्या होता है? तस्तरी नुमा होता है कि अपवाह बेसिन या वातगर्त की जो आकृति होती है वो तस्तरी नुमा होती है। अपवाह बेसिन को यूएसए अमेरिका में बफेलो वालस एवं मंगोलिया में पांग की यांग कहते हैं कि जो अपवाह बेसिन है उसको अमेरिका में बफेलो वालस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफेलो वालस। वहीं मंगोलिया में पांग की यांग बोलते हैं। इंसेलबर्ग का निर्माण ग्रेनाइट एवं चट्टानों के अपघर्षण के अपरदन एवं अपक्षय से होता है। कि जो इंसेलबर्ग है इसका निर्माण ग्रेनाइट और निस चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षय से होता है। कि जो इंसेलबर्ग होता है उसका निर्माण ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों के अपरदन व अपक्षय से होता है। इंसेलबर्ग को बोर्न हाइट भी कहते हैं।
जो इनसेल बर्ग होता है, इनसेल बर्ग को बॉर्न हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्न हाइट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है छत्रकशिला, छत्रकशिला एक छतरी नुमा आकृति होती है, कि जो छत्रकशिला है वो एक छतरी नुमा आकृति होती है। कैसी होती है? छतरी नुमा आकृति होती है। देखो, इंसेल बर्ग का निर्माण ग्रेनाइट एवं निश चट्टानों के अपरदन अपक्षय से होता है। इंसेल बर्ग को बॉर्न हार्ट भी बोलते हैं। छत्रकशिला एक तस्तरी नुमा आकृति होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू चलेंगे। छत्रकशिला को सहारा में गारा कहते हैं, कि जो छत्रकशिला है उसको सहारा में क्या कहते हैं? गारा कहते हैं। सहारा के रेगिस्तान में गारा कहते हैं। इसको पेडेस्टल भी कहते हैं। कि जो छत्रकशिला है उसको सारा में गारा कहते हैं और पेडेस्टल भी कहते हैं इसको। जुगेन डकन दात दवात डक्कनदार द्वात के समान होता है, कि जो जुगेन है वो डक्कनदार द्वात के समान होता है। किसके समान होता है? डक्कनदार द्वात के समान होता है। देखो, जो जुगेन की आकृति होती है वो इस तरीके से होता है, जुगेन बिल्कुल इसी तरीके से होता है। फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ऐसे विस्तृत रूप लेता रहता है। तो जो जुगेन होता है वो इस तरीके का होता है, जुगेन का आकार इस तरीके का होता है। तो जो जुगेन होता है वो इस तरीके का होता है, जो कि एक ढक्कनदार दवात के समान है, ढक्कनदार दवात के समान दिखाई दे रहा है। तो ये था जुगेन का आकार। जुगेन का निर्माण अपक्षय एवं अपरदन के फलस्वरूप होता है, कि जो जुगेन है उसका निर्माण अपक्षय एवं अपरदन के फलस्वरूप होता है। या डंग का निर्माण, जो या डंग का निर्माण पवन के अपघर्षण द्वारा होता है, कि जो यारडंग है उसका निर्माण पवन के अपघर्षण द्वारा होता है। जुगेन का निर्माण अपक्षय एवं अपरदन के फलस्वरूप होता है। तीन फलक वाले बोल्डर को ड्राई काउंटर, कि जो तीन फ्लक वाला बोल्डर होता है, तीन फ्लक वाले बोल्डर को ड्राई काउंटर तथा
आठ अपघर्षित, आठ अपघर्षित फलक वाले बोल्डर को वेंटिफैक्ट कहते हैं, वेंटिफैक्ट कहते हैं। वेंटिफैक्ट कहते हैं कि तीन फलक वाले बोल्डर को डाइकांटर तथा आठ फलक वाले, आठ अपघर्षित फलक वाले बोल्डर को वेंटिफैक्ट बोलते हैं, कि जो तीन फलक वाला बोल्डर होता है उसको डाइकांटर बोलते हैं और आठ अपघर्षित फलक वाले बोल्डर को वेंटिफैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंटिफैक्ट कहते हैं। निक्षेप जनित स्थलाकृति, निक्षेप जनित स्थलाकृतियों में बालू का स्तूप सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। स्थलाकृति है कि जो निक्षेप जनित स्थलाकृति है उनमें बालू का स्तूप महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, कि जो भी निक्षेप जनित स्थलाकृतियां हैं वह निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, उनमें जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पवन की दिशा के समानांतर, पवन की दिशा के समानांतर निर्मित लंबे लंबे, क्या लंबे लंबे कि पवन की दिशा के समानांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूप को पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य स्तूप कहते हैं, कि पवन की दिशा के समानांतर निर्मित लंबे लंबे स्पूतों को पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य स्पूत कहते हैं। इसका पवनामुखी ढाल, जो ये पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बाहुओं का स्पूत होते हैं, इनका पवन विमुखी पवनामुखी ढाल मंद मंद एवं पवन विमुखी ढाल मुखी ढाल तीव्र होता है, कि जो ये पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य स्तूप होते हैं इनका जो पवनामुखी ढाल होता है वो मंद होता है एवं पवन विमुखी ढाल होता है जो तीव्र होता है। ये ऑस्ट्रेलिया सहारा लीबिया के मरुस्थलों में विस्तृत है, कि जो ये पवनाभिमुखी या जो अनुदैर्ध्य बालू का स्पोत है ये ऑस्ट्रेलिया सारा एवं लीबिया के मरुस्थलों में विस्तृत है। दो स्तूपों के मध्य खाली
भाग को, खाली भाग को कॉरिडोर, कॉरिडोर या कॉरिडोर एवं सहारा में दासी कहते हैं। कि दो स्तूपों के मध्य खाली भाग को कॉरिडोर एवं सारा में गासी कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ही कोई पवन प्रवाहित हो रही है, ये पवन प्रवाहित हो रही है, ये पवन प्रवाहित हो रही है। अब यहां पर क्या है, एक बालू का स्पुत का निर्माण यहां हो गया और एक बालू का स्पुत का निर्माण यहां हो गया। ये दो बालू का स्पुत है, इनके बीच में जो खाली जगह है जहां पर पवन प्रवाहित हो रही है, उसी ही खाली जगह को क्या बोलते हैं, गासी या कॉरिडोर बोलते हैं। जो ये एरिया है इसको गासी या कॉरिडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको गासी या कॉरिडोर बोलते हैं। कि ये दो स्पूत हैं, इनके बीच का जो खाली स्थान है जिस जहाँ पर पवन प्रवाहित हो रही है, उसको गासी या कॉरिडोर कहते हैं। उसके बाद आता है इस तरह के स्तूपों को रैखिक स्तूप, रैखिक स्तूप या रेत कटक या सीफ आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जाना जाता है कि जो पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य स्तूप होते हैं, इनको सीफ, रेखिक स्तूप, रेत कटक या सीफ आदि, इन तीन नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से, अनुप्रस्थ। तो ये तो थे अनुदैर्ध्य, अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये पवन की दिशा के समकोण, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है वो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। क्या बनते हैं, पवन की दिशा के समकोण पर। जैसे ये पवन प्रवाहित हो रही है तो इसके समकोण पर, जो यहाँ पर बालू का स्तूप बनते हैं, कि जैसे ये पवन प्रवाहित हो रही है, ये पवन प्रवाहित हो रही है ऐसे, और इसके समकोण पर जो ये बालू का स्तूप बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्पुत। कि वो बालू का स्पुत जो पवन की दिशा के समकोण पर बनता है, उनको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्पुत बोलते हैं। इन्हें आडे बालू का स्तूप भी कहते हैं, इन्हें आडे बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आडे बालू का स्तूप। इनका निर्माण रेगिस्तानों की सीमा पर या सागरीय या रेतीले सागरीय तटों पर होता है। कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्पुत है, इनका निर्माण रेगिस्तानों की सीमा पर या रेतीले सागरीय तटों पर होता है।
ये प्राय लहरदार होते हैं। क्या होते हैं? ये प्राय लहरदार होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बालू का स्तूप है जो है बरखान। कौन सा है? बरखान। बरखान। अब हम बात करते हैं बरखान की। बरखान यह है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का एक विशिष्ट रूप है, विशिष्ट प्रकार कि जो बरखान है यह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का एक विशिष्ट प्रकार है। किसका? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का एक विशिष्ट प्रकार है। इसका आकार नापाकार या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होता है। जो बरखान होता है इसका आकार या तो नापाकार होता है या अर्धचंद्राकार होता है या नवचंद्राकार होता है। कि जो बरखान होता है ये नवचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या फिर नापा के आकार का होता है। जो बरखान है सर्वाधिक संख्या में तुर्किस्तान में सर्वाधिक संख्या में विस्तृत है। कि जो बरखान है वो तुर्किस्तान में सर्वाधिक संख्या में विस्तृत है। कहां पर? तुर्किस्तान में। राजस्थान के थार मरुस्थल तल में पवनानुवर्ती, कौन से? पवनानुवर्ती स्तूप अधिक संख्या में विस्तृत है। कि जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वहां पर जो पवनानुवर्ती स्तूप है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। झाड़ियों के पीछे स्थित स्तूपों को नेबखा कहा जाता है, नेबखा कहा जाता है। कि जो झाड़ियों के पीछे स्थित स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नेबखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नेबखा कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तीन से अधिक बाहर निकली हुई भुजाओं वाले स्तूप को तारा स्तूप कहते हैं। कि तीन से अधिक बाहर निकली हुई भुजाओं वाले स्तूप को तारा स्तूप कहते हैं। जैसे तारा ये है, हमें तारा इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। तो ये क्या है? इसकी पांच भुजा है। कि जब तीन से अधिक बाहर निकली हुई भुजाओं वाले स्तूप को क्या कहा जाता है? तारा स्तूप कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? तारा स्तूप कहते हैं।
मोटी रेत से निर्मित स्तूप को हेलबैक स्तूप कहते हैं। कि मोटी रेत से निर्मित स्तूप को क्या कहते हैं? हेलबैक स्तूप कहते हैं। हेलबैक के विस्तृत रूप को द्रास कहते हैं। देखो, मोटी रेत से निर्मित स्तूप को हेलबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलबैक कहते हैं। दोबारा बताता हूँ कि मोटी रेत से निर्मित स्तूप को हेलबैक स्तूप कहते हैं। हेलबैक के विस्तृत रूप को द्रास कहते हैं। कि जो हेलबैक स्तूप रहता है उसका जो विस्तृत रूप होता है, कि हेलबैक स्तूप के विस्तृत रूप को द्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रास कहते हैं। लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान फोन रिकोफेन ने किया था। लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान फोन रिकोफेन ने किया था। किसने किया था? फोन रिकोफेन ने। कि एक फोन रिकोफेन नामक जर्मन विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम लोयस के मैदानों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? लोयस के मैदानों का अध्ययन किया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है। मरुभूमि में जल का कार्य उससे निर्मित है। मरुभूमि में जल का कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृति। क्या है? कि मरुभूमि में जल का कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृति। क्या है? मरुभूमि में जल का कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृति। मरुभूमि में क्षणिक जल प्रवाह से निर्मित घाटियों को अमेरिका में वॉस एवं सारा में वादी कहते हैं। कि मरुभूमि में क्षणिक जल प्रवाह से निर्मित घाटियों को अमेरिका में वॉस कहते हैं और सारा में वादी कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, मरुभूमि में क्षणिक जल प्रवाह से निर्मित घाटियों को अमेरिका में वॉस व सारा में वादी कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल द्वारा अपरदित चट्टानी चबूतरों को। कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल द्वारा अपरदित चट्टानी चबूतरों को पेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
पेडिमेंट कहते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जल द्वारा अपरदित चट्टानी चबूतरों को पेडिमेंट कहा जाता है। मरुस्थलीय जलोद्पंख पंखों को मरुस्थलीय जलोद पंखों को बहादा या बजादा कहते हैं कि मरुस्थलीय जलोद पंखों को बहादा या बजादा कहते हैं। क्या कहते हैं? बहादा या बजादा कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरे हुए निम्न भूमि क्षेत्र को बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरे हुए निम्न भूमि क्षेत्र को बालसन कहते हैं। मरुस्थलीय जलोदय पंखों को बहादा या बजादा कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल द्वारा अपरदित चट्टानी चबूतरों को पेडिमेंट कहते हैं। मरुभूमि में या मरुस्थलों में क्षणिक जल प्रवाह से निर्मित घाटियों को अमेरिका में वॉश व सहारा में वादी कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं और भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित झील को पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित झील को पलाया कहते हैं। शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में कि शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में एक लगभग समतल मैदान का निर्माण होता है जिसे पेडी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडी प्लेन कहते हैं कि शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में एक लगभग समतल मैदान का निर्माण होता है जिसे पेडी प्लेन कहते हैं। पेडी प्लेन में स्थित कठोर चट्टानों वाले टीले को हिंसेलबर्ग कहते हैं कि पेडी प्लेन में स्थित कठोर चट्टानों वाले टीले को हिंसेलबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। तो ये था मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थित झील को पलाया कहते हैं। शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में एक लगभग समतल मैदान का निर्माण होता है जिसे पेडी प्लेन कहते हैं और पेडी प्लेन में स्थित कठोर चट्टान वाले चबूतरों को या टीलों को इंसेलबर्ग कहते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें मरुस्थलीय धरातल। देखो
मरुस्थलीय धरातल में मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है चट्टानी मरुस्थल कौन सा है? हमादा। जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसको हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। दूसरा होता है पथरीला मरुस्थल। जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको रेग या शरीर। जो शरीर है वो लीबिया में कहते हैं कि जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको रेग कहते हैं या शरीर कहते हैं। शरीर इसको लीबिया में कहते हैं। और तीसरा होता है बलुई मरुस्थल। इसको अर्घ कहते हैं। अर्घ तो कहाँ कहते हैं? सारा में। कौम कहते हैं। क्या कहते हैं? कौम कहते हैं तुर्किस्तान में। देखो जो चट्टानी मरुस्थल है उसको हम मादा कहते हैं, पथरीला मरुस्थल को रेग या शरीर कहते हैं, शरीर लीबिया में कहते हैं, जो बलुई मरुस्थल होता है उसको अर्घ या कौम कहते हैं, जिसमें अर्घ है जो सारा में कहते हैं और कौम तुर्किस्तान में कहते हैं। अब देखो इनमें हम कन्फ्यूज होते हैं, इस कन्फ्यूज को दूर करने के लिए मैंने अपनी एक ट्रिक बना रखी है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो पथरीला रेर शरीर, अर्घ कौम और हमादा, ये आपके पास टोटल 5 शब्द है। इस साइड आपके पास बलुई, पथरीला और चट्टानी, ये 3 शब्द है। अब इसमें देखो कि जो रेग और शरीर, इन दोनों में रेग में रह और शरीर में रह, रेग में भी रह और शरीर में भी रह, इस साइड पथरीला में भी रह, बाकी चट्टानी में भी नहीं है रह, बलुई में भी रह नहीं है, अर्घ में भी नहीं है, कौम में भी नहीं है और हमाद में भी नहीं है, लेकिन रेग में और शरीर इन दोनों शब्दों में रह, इस साइड पथरीला में भी रह। पथरीला री ये रह, रेग का रह और शरीर का रह, ये तीनों सेम है कि जो रेग में रह, शरीर में रह, पथरीला में रह, तो ये रह 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 तीन रह, तो मतलब पथरीला में रेग और शरीर मरुस्थल कहते हैं कि जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको रेग व शरीर मरुस्थल कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास 3 बचे, एक तो हमाद बचा, दूसरा अर्घ बचा, तीसरा कौम बचा, इस साइड चट्टानी बचा, इस साइड बलुई बचा। अब देखो अपन को याद करना होगा अर्घ कौम एक साथ याद करना है इसको, अर्घ कौम एक शब्द बना के याद करना है, अर्घ कौम एक ही शब्द है, हमने इसको अर्घ कौम के रूप में याद कर लिया। अब देखो चट्टानी और बलुई, इन दोनों शब्दों में कुछ अलग देखो, मैंने ट्रिक में देखा कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए, ये दोनों के दोनों क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। बलुई में ई, जो बलुई है इसमें जो ये ई है, और जो अर्घ कौम है इसमें जो ए, ये दोनों क्या है? स्वर है। जबकि जो चट्टानी शब्द है इसमें कोई भी स्वर नहीं है, और इस साइड जो हमादा है इसमें कोई स्वर नहीं है, तो बलुई इसमें स्वर है, अर्घ कौम इसमें स्वर है, बलुई में ई स्वर है, अर्घ कौम में ए स्वर है, तो बलुई अर्घ कौम पथरीला रे रेग शरीर दोनों में रह रे। अब बचा तीसरा कौन सा? चट्टानी, जिसको हम हमादा बोलते हैं, चट्टानी मरुस्थल को हमादा बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर 9 था ये कंप्लीट होता है। उसके बाद चैप्टर 10 और 11, इन दोनों में हम जो सागरीय तट द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, हिमनद द्वारा, हिमानी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर नेट जा रहा फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। नेट जा रहा फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करवा रहा हूँ। यदि आप, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप
उसके मोबाइल नंबर है 7891350470। ये उसके व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसका टारगेट है 70% प्लस मार्क्स लाना। जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट है कि इसमें जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं उन सभी के 70% प्लस मार्क्स आए। और यदि आपको 70% प्लस मार्क्स लेके आना है या तो ज्योग्राफी में या नेट JRF के फर्स्ट पेपर में, दोनों में 70% प्लस मार्क्स लेके आना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, साथ ही साथ इस नंबरों के द्वारा इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। हाँ, यदि इसमें दो कंडीशन है व्हाट्सएप ग्रुप में, यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए ऐड होना चाहते हो तो जब आप व्हाट्सएप करो मेरे को तो उसमें आप फर्स्ट पेपर लिख देना, और यदि आप ज्योग्राफी के लिए ऐड होना चाहते हो तो आप उसमें जब व्हाट्सएप करो मेरे को तो उसमें ज्योग्राफी लिख देना। तो ये इसकी कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भी सभी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।